मैं तो आप सबका धन्यवाद, जिस तरह से पूरे मीडिया ने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ, और सारे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवादी हूँ। मैं अपनी हर सभा में ये कहता रहा कि नर ही नारायण है, तो नारायण कभी गलती कर नहीं सकता, जो उनका फैसला है वो सर पे मंजूर है, और जो जनता जो फैसला करती है वो सोच समझ के करती है। तो इसलिए मैं तो आपका सिर्फ धन्यवाद बुलाने के लिए, रेवाड़ी की देवतुल्य जनता का, आप सब भाइयों का धन्यवाद करूं इस बात के लिए आपको बुलाया। वोट कम रहे, क्या पूरा रीज़न निकल गया है, मंथन आपने भी किया होगा? वोटों का ध्रुवीकरण हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से एक मुस्लिम भाई ने जो स्टेटमेंट दी वो मेरी नज़र में गलत है, मेवात में जिस तरह से उसने हिंदुओं को चैलेंज किया कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, तो वो गलत है, और उसका निश्चित तौर पे समाज को नुकसान होता है, पार्टी को तो बाद में है कि हम लोग आपस में बंटने का काम करते हैं, और वैमनेस से इतना भारी पैदा हो जाता है कि कई बार इससे जान माल का भी नुकसान हो जाता है। तो नेताओं को कम से कम सोच के बोलना चाहिए, और उसको आज भी भारत देश के लोग सीधे साधे हैं तो उनको लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे लोग सत्ता में आ जाएँ जो कहीं देश के लिए घातक हों, कहीं हिंदू के लिए घातक हों, तो ध्रुवीकरण हो गया। उनको लगा शायद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और सतीश यादव को तो फिर देख लेंगे, कहीं कोई और चीज़ ना हो जाए, इसलिए मुझे उसका नुकसान। एक आपने जो बात कही बहुत गंभीर बात कही है, हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, आपने शब्द इस्तेमाल किया है, कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कहा गया हो हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे? ऐसा एक नैरेटिव चला। आप अपनी बात को उसी अंदाज में? हाँ, मतलब वो सॉरी मैं अपनी बात करता हूँ, एक नैरेटिव चलाया कि भाई हम वहाँ मामन खान जी, मैंने तो आज तक वो देखा भी नहीं, जो मुझे बताया गया मैंने देखा भी नहीं हूँ क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं तो आज तक नहीं देखा कि मामन खान की तरफ से कोई इस तरह की बात आई। अब वो कितनी सत्य कितनी झूठ होता आप देखेंगे कि भाई वो हिंदुओं का भाई देख लेना, चुनाव के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हालांकि उसको उनका तो फ़ायदा, वो खुद बहुत भारी वोट जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को नुकसान होने का काम होता है। और वो पहले भी, क्योंकि वो पीछे जब हमारा वहाँ ये हमारी कौन सी यात्रा जाती है जब वहाँ मंदिर में, उस टाइम में भी वहाँ उस तरह की कोई घटना घटित हुई थी नर लड़के मंदिर में, तो वो हमारे समाज के बीच में दो खाइयाँ तो बनी चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आज उसने अगर उनकी ऐसी स्टेटमेंट थी तो वो कहीं आग में घी डालने का काम हुआ, तो अब उसका एक ये चल पड़ी है पॉलिटिक्स हरियाणा की, जाट और नॉन जाट की, तो वो कहीं ना ये लगा कि भाई जाट अगर सूट मर गया तो नॉन जाट को नुकसान होगा, जहाँ जहाँ बाजरा और जहाँ जहाँ मेरी कौम है वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं मतलब बीजेपी का अपर हैंड है और बीजेपी को लाभ में है, और उनके दिमाग में है हमने नॉन जाट की सरकार चाहिए तो उसका लाभ। राजनीति हर आदमी अपनी सरकार बनाने के लिए या कोई करने के लिए सब चुनाव में सब चलती है बातें, इसका ना किसी को अफसोस मानना चाहिए, और जो जीत है वो सिकंदर है। आज नई सरकार को बधाई है, भाई लक्ष्मण सिंह को बधाई हो, यहाँ से MLA बने और जन भावनाओं के अनुरूप काम करें। रेवाड़ी के बहुत से मुद्दे हैं, जैसे मैं शौचालय का मुद्दा उठाता था, कल भी मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, हनुमान जी के मंदिर के सामने पानी बह रहा था गंदा सी और फिलौत, आज भी शहर की सड़कें, इन सब पे काम होगा यकीन करते हैं, आज केवल उनको कोसने के लिए नहीं बैठे, आज यकीन करते हैं कि जो पिछले 10 साल में नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी से वो अगले 5 साल में करेगी, और नहीं करेगी तो सतीश यादव उनको समय समय पर याद दिलाएगा, चाहे भूमिका इस्तेमाल मेरी छोटी है, नंबर मेरा तीसरा है, जमानत जब्त हुई मेरी, मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जितनी मेरी योग्यता है उसके अनुसार मैं अपनी बात को रखूँगा, समय समय पर आपका सहयोग लूँगा, समय समय पर इनको चेताने की कोशिश करूँगा और इनको जगाऊँगा ज़रूर। रेवाड़ी शहर मेरी आत्मा बसती है, और इस आत्मा के साथ कोई अगर कोई गलत करेगा, कोई इसके ठोकर मारेगा, तो ज़रूर सतीश यादव उससे लड़ेगा। सतीश यादव को मलाल है, बार बार पार्टियाँ जो बदली गई, भाजपा फिर अब आम आदमी पार्टी में, आप बीच में कुछ और संकेत दिए, इससे पहले इनेलो में रहे, क्या आपका हम मानने कि आम आदमी पार्टी ही अब मजबूत ठिकाना है आपका और अंतिम ठिकाना है, या सतीश यादव कुछ अलग तरह की राजनीति करेंगे? मैं वैसे जी मैंने कोई पार्टी कभी भी इसलिए नहीं बदली, मुझे वहाँ कुछ लोकदल में था, लोकदल का बड़ा मजबूती झंडा पकड़ा, उनकी पार्टी जीरो हो गई और हालात ये हो गए, मुझे वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा, और भाजपा में इसलिए गया टिकट देंगे, टिकट उन्होंने नहीं दी, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए, तब मैंने अपना
अपने परिवार को, अपने घर को एक तरह से त्याग रखे हैं। मैंने हमेशा लोगों के प्रति समर्पित रहा हूँ। अब उसके लिए कोई भी आदमी कहीं ना कहीं आश्रय देखता है। मेरे को आज आम आदमी पार्टी ने एक सहारा दिया है और लोग चाहे उसके लिए कुछ भी कहे, सतीश यादव आम आदमी पार्टी के लिए काम करेगा। आने वाला वक्त बताएगा आम आदमी पार्टी कहाँ तक जाती है। और मैं कैसे कहूँगा भाई मैं आगे पता नहीं इसको, मैं तो खुद आज हारा हुआ जमाना जब्त का कैंडिडेट हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा मैं इसको। लेकिन मैं अपने खून से सींचने के प्रयास करूँगा, अपना 100% देने का प्रयास करूँगा, अपना 100% रेवाड़ी के लोगों को देने का प्रयास करूँगा। जो मेरी खुद की कमियाँ रही उनको ठीक करने का प्रयास करूँगा। मैं कई बार पब्लिक से टेलीफोनिक तो रहा, लेकिन मैं उतना जितना मुझे अपना 100% लोगों को देना चाहिए तो नहीं दे पाया, और उसका खामियाजा मुझे इस चुनाव में मिला है। उसके लिए मैं खुद दोषी हूँ, ना मेरे साथी दोषी, ना रेवाड़ी के लोग दोषी। कम वोट आप इससे कम वोट शायद क्या झाड़ू को थामने का नुकसान? नहीं, ऐसा नहीं है, ध्रुवीकरण हुआ। 30 तारीख तक मेरा चुनाव बहुत अच्छा था। 30 तारीख के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी, कुछ ऐसी समाज में या कुछ और में कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आई नेताओं की भी, कुछ ऐसे वीडियो चले पार्षदों के, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आई जो लोगों ने इसको हिंदू मुसलमान बना दिया। जैसे मैं आज भी उस बात का कुछ ज़्यादा पक्षधर या नहीं हूँ उसको चलाने का, कि भाई इन लोगों ने कैप्टनाइजेशन किया, भाई चिरंजीव बेटे की हमारी उसकी वो टोपी पकड़ ली। मैंने कभी उस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं इस बात का कभी पक्षधर नहीं रहा कि हम इस तरह से लोगों को बांटें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिल गया, और लोगों को ये लगा कि अगर सतीश को तो देख लेंगे, कहीं कांग्रेस आ गई तो उसका जो मेरा जो वोट बैंक था वो शिफ्ट हो गया भारतीय जनता पार्टी में। और आपने समीक्षा की है इस चुनाव की, हार की अपनी, एक क्या बात ये नहीं निकल करके आई कि सतीश यादव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्रमण कम कर रहे थे और कैप्टन अजय सिंह यादव उनके परिवार पर ज़्यादा आक्रमण कर रहे थे, तो जो कैप्टन यादव के प्रति नकारात्मक धारणा आपकी तरफ से भी बनाई गई उसका कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके विपरीत जो वोट था वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हुआ? निश्चित तौर पे हुआ होगा। मैं उस बात भाजपा के खिलाफ आप बोले नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। तो लक्ष्मण यादव के पक्ष में पॉजिटिव रहा? भारतीय जनता पार्टी खिलाफ जितना, मैं लक्ष्मण यादव यहाँ नया कैंडिडेट है, मैं उसको ये कैसे कहूँ कि आप रेस्टोर करें? कैंडिडेट की बात ही नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी मैंने दिखाई ना सड़कें, मैंने शौचालय दिखाए ना, मैंने मुद्दों की बात की और नकारात्मक बात मैंने कहीं नहीं की। मैंने सतीश यादव ने केवल मुद्दे उठाए कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं शौचालय की बात कर रहा था, मैं शहर की सफाई की बात कर रहा था, मैं कानून व्यवस्था की बात कर रहा था, मैं सड़कों के गड्ढे दिखा रहा था। मैं जहाँ जा रहा था आपके सामने ज्वलंत उदाहरण है, मैंने धारोड़ा का रोज वो दिखाया बस स्टैंड, आज उसमें पानी नहीं है। सतीश यादव ने मुद्दा उठाया, जाके देख लो, सतीश यादव ने पुल के नीचे मुद्दा उठाया, वो वीडियो मिल जाएगा, वीडियो है वो, ऐसा नहीं है। सतीश यादव ने मुद्दा उठाया कि यहाँ पुल के नीचे जो ये दिल्ली रोड के ऊपर गड्ढे हैं, अगले दिन वो गड्ढे भर दिए। सतीश यादव ने वहाँ से वीडियो जारी किया। सतीश यादव आता था महेंद्रगढ़ रोड से कतौपुर में गौशाला के सामने, किसी ने एक पेड़ को तोड़ कर उसमें वो उसको डाल रखा था किसी शिवर के उसमें, और एक वो रखा था, मैंने वहाँ वीडियो बनाया, आज जाके देखो वो कंप्लीट हो गया। सतीश यादव सकारात्मक राजनीति कर रहा था, नकारात्मक नहीं। मैंने कैप्टन अजय सिंह की कहीं टोपी नहीं दिखाई, मैंने कैप्टन अजय सिंह की, मैंने ये जरूर आज भी कह रहा हूँ, कैप्टन अजय सिंह आज भी मेरी नज़र में दोषी है, कल भी था आगे भी रहेगा। मैंने उनके बेटे को नहीं कहा, मैंने उनके बेटे कुछ नहीं कहा, बेटे को ये कहा कि भाई ये जो वो लोग हैं जो सत्ता में बाय मतलब पर चांस नहीं, इनके पारिवारिक है ये, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर चल रहे हैं, सतीश यादव लेकर चल रहा है प्रजातंत्र का जो मीनिंग है। आज मैं क्यों नहीं, अगर मुझे इतना ही कहना होता तो मैं उसके बेटे को भी कहता, और मैंने जिसको भी कहा आप कह के बड़ी तमीज से कोई अपनी बात रखी है ना। कैप्टन अजय सिंह को आज भी कह रहा हूँ, आपने पूरे इन वीडियो की जाँच होनी चाहिए, जो आज वीडियो चल रहे हैं, जो पार्षदों को आप खरीदते हो, अरे जनता आपको चुनती है भाई, अगर आप इस तरह से मैंडेट को बेचोगे कोई भी पार्षद कैसे काम चलेगा, उनकी जांच होनी चाहिए। अब तो बीजेपी की सरकार है, आज ये 370 एकड़ का जो लक्ष्मण यादव से मांग कर, नहीं लक्ष्मण यादव कौन जांच करे, सरकार कर देना। लक्ष्मण यादव बेचारा किसकी जांच करे, उसको फोन उठाएगा जब? मैं तो आज कहता हूँ भाई मजबूत इस बार ना उठाए, मुझे बता देना मैं मदद करूँगा। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आप बात को समझो ना, मैं ये कह रहा हूँ मेरी सरकार से मांग है कि भाई आज आपने जो ये पीछे चला, ये जो 370 एकड़ जमीन का मुद्दा है, आपने उसका लाभ तो ले लिया, उन गरीबों को न्याय भी दिलाओ। जो गरीब सड़कों पे है पिछले 40 साल से 50 साल से सड़कों पे, आज उनको न्याय भी दिलाओ। ये सिर्फ आपने वोट हथियानी थी उनको बना के भेज दिया। पिछली बार सुनील के भाई को किसने बैठाया था सड़क पे? सुनील मुझे किसने बैठाया था? उन लोग वही आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। मैं कभी इस तरह की नेगेटिव राजनीति नहीं करता। मैं उस टाइम उस बात का विरोधी था, इस टाइम इस बात का विरोधी था कि आपने इस तरह से गाँव के लोगों को करके, लेकिन अब उनको न्याय दिलाओ आप। मैं कहता हूँ उनको न्याय मिलना चाहिए। जो 370 एकड़ ज़मीन जो कहते हैं भाई कैप्टन अजय सिंह के परिवार ने कब्जा रखी है, तो उनको न्याय दिलाओ।
और नहीं कब्जा रखी तो फिर ये नैरेटिव क्यों? 367 जो 67 है 70 है जो भी है उसका चलो एक दो किले क्या फर्क कहते हैं कितना कब्जा है मुझे नहीं पता। मैं जो वो जो उन्होंने पूरी उस पर रोड के ऊपर जिस तरह से घुमाया भाई उनको न्याय मिले ना। सतीश यादव तो कह रहे हैं उनको न्याय दिलाओ, अगर वो गलत है तो फिर उनके खिलाफ ही कैप्टन अजय सिंह के खिलाफ नैरेटिव क्यों? सुनील मुसेपर का भाई जबरदस्ती आके पिछले चुनाव में बैठा दिया, क्यों बैठाए भाई? मैं तो उस बात का पक्षधर नहीं था। आप भाई को भाई के खिलाफ यूज़ करोगे क्या? उस टाइम किसने यूज़ करा तो उनको सबक मिल गया। मैं कभी इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति ना सतीश यादव कभी करता है ना करेगा। आज बधाई है कि ये सरकार नहीं बनी है, हम उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं भाई लक्ष्मण सिंह से कि वो बेहतर से बेहतर कार्य करके दिखाए। जो नहीं हो पाया यहाँ, मैं कह रहा जो 50 साल में नहीं हो पाए वो करो भाई। हमारा सपना तो यही है ना कि मेरा विकसित रेवाड़ी हो, चाहे उसमें सतीश यादव MLA हो ना हो क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ बढ़िया शौचालय हो, बढ़िया पार्क हो, ब्रास मार्केट सड़ती वो ठीक हो, रेवाड़ी गंदा पानी, अब तो दोनों सरकारें इनकी है, तीनों सेंटर में भी इनकी है, स्टेट में भी इनकी। मेरा धारोड़ा गंदे पानी से क्यों सरोवर रहे मेरे साहब ने, कैंसर फैल रहा है उन पर काम दिखना चाहिए ना। साल दो साल बाद बात करेंगे, अब इतनी जल्दी आरोप भी नहीं लगाएंगे, इतनी जल्दी कहेंगे भी नहीं भाई। आप साल दो साल इंतजार करो ना, रिजल्ट दें। हो सकता है भाई लक्ष्मण सिंह कर दे, जो सतीश यादव जो रेवाड़ी का सपना लेता है, अगर लक्ष्मण सिंह करेंगे हम अगली बार कह देंगे भाई आप ही लड़ो, हम चुनाव लड़े। मेरी आत्मा है रेवाड़ी, मैं फिर कह रहा हूँ मेरा मकसद केवल यही नहीं कि मुझे ही चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ा ना मैं 19 में, मेरा मकसद ये है कि मेरा रेवाड़ी कैसे विकसित हो और मेरा रेवाड़ी कैसे सुरक्षित हो। उस बात के लिए अगर कोई व्यक्ति आके मुझसे कहे भाई मैं ये काम करता हूँ, भाई मैं सहयोग में, तो कैप्टन अजय सिंह नहीं कर पाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कैप्टन अजय सिंह की अपनी खुद की संस्थान मुझे बड़ी बड़ी दिखाई देती है, मुझे रेवाड़ी में गड्ढे नजर आते हैं, तो इसलिए मैं कैप्टन अजय सिंह के ऊपर ज़्यादा। बाईपास भाई साहब मुझे आज मौत का सामान नज़र आता है, मेरे पास जवाब नहीं है उस बाईपास का, मैं कैसे निराकरण करूँ, कैसे उसको ठीक कराऊँ, आज भी है वो मेरे लिए मुद्दा, आगे भी रहेगा। मुझे आपकी जान प्यारी है भाई, मुझे मेरे रेवाड़ी वासियों की जान प्यारी है। सतीश यादव को खुद तो चलो मैं सुरक्षित निकल जाऊँगा, और एक सतीश यादव मर जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, लेकिन आज रोज़ कैंसर फैलने लग रहा है, चलो मेरे साथ अभी गाँव में लेके चलता हूँ। आज धारोड़ा में एक हमारे पार्षद का वहाँ घर है भाई साहब, उसका जीर्ण दुर्बल हो रहा है बेचारे का, पूरा व्यापार ठप पड़ा है वहाँ उसके लाइन का। कब काम करोगे? कब कौन सी सरकार आएगी जब काम करोगे? भारतीय जनता पार्टी की आली, कांग्रेस की आली, किसको MLA बनाए, किसको सांसद बनाए, किसके पास रोने जाएं? हाँ पानी हैंडपम्प के अंदर झाग आते हैं, ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, उसके ऊपर 10 साल भारतीय जनता पार्टी कह दे, अब और कौन सा राज चाहिए भाई? सेंटर में तुम्हारी, राजस्थान में तुम्हारी, स्टेट में तुम्हारी। सतीश यादव तो अपना बेस्ट, अपना जो कह सकता था गड़ा बैठा हुआ, आज बीमार हूँ, लेकिन मेरा रेवाड़ी मेरे ज़्यादा बीमार है। मेरी बीमारी तो हो सकता है मैं किसी डॉक्टर के जाके ठीक हो जाऊँगा, लेकिन इसको भी तो एक अच्छा डॉक्टर चाहिए ना। और हम तो उम्मीद करते हैं भाई लक्ष्मण करेगा, इस बार ये नहीं कहेगा मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे, ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये कम से कम ना कहे मेरे फ़ोन नहीं उठा रहे। धन्यवाद जी।